ताई शाम वड़ा का दीपक वड़ा, दीपक वड़ा, दीपक वड़ा। हाँ, लेकिन मुंबई का जो वड़ा पाव है ना वो असल वड़ा पाव। गप्पू मस्त। शाम वड़ा का दीपक वड़ा, दीपक वड़ा, शाम वड़ा, शाम वड़ा। अरे दादा, शाम वड़ा का दीपक वड़ा, दीपक वड़ा। ताई दीपक वड़ा का पाव का शाम वड़ा पाव, शाम वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव बेस्ट। ताई शाम वड़ा पाव का दीपक वड़ा पाव, दीपक वड़ा पाव, दीपक वड़ा पाव। दादा कोल्हापुर का अगर वड़ा पाव खाना है तो कौन सा खाना है, दीपक वड़ा पाव या शाम वड़ा पाव? शाम वड़ा पाव। चालीस। अरे बाप, ये कोल्हापुरी ब्रेड। और गुलाबर में इससे खाते ना ब्रेड, यही चलता है, यही चलता, यही चलता है ना। एक सेल में कितना आता है? 10-11। ओके जी। ये अपना दीपक वड़ा रेडी हो गया, ये देखिए। सो गाइस, दिस इज दीपक वड़ा पाव इन कोल्हापुर में, काफ़ी फेमस है ये। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे खा रहा हूँ। दिस इज ब्रेड, करने का टेस्ट तो गाइस, दिस काफ़ी यूज साइज है और 25 रुपीज़ की प्राइस है, गर्मा गर्म है। इसको कैसे खाया मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग आदत है ना गाइस पाव के साथ खाने की। दिस इज ब्रेड, इसको भी हम लोग पावी बोलते हैं। कैसे खाए इसको समझ नहीं आता मेरे को, बस स्टफिंग ले लो गाइस। ओहो, मैंने कोल्हापुर में देखा गाइस, जो इसकी रहता है थिकनेस ऑफ बेसन काफ़ी मोटा रहता है, लेकिन इसकी थिकनेस काफ़ी पतली है। और जो भाजी की जो अरोमा है ना, काफ़ी अच्छा है, टेस्ट करते हैं। सही है, एक नंबर है। दिस इज ब्रेड, इसको कैसे खाते हैं पता नहीं यार। तो ये लेते हैं इसके साथ, ऐसे बड़ा पाव का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो अगर मैं पाव के साथ खा रहा हूँ मुझे खाने जम रहा नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी हार्ड है पाव। तो हम मुझे आदत है वड़ा पाव खाने की, जो नॉर्मल वाला शॉप पर मुंबई स्पाइड, लेकिन इनको वड़ा काफ़ी अच्छा है, वड़ा एक नंबर इनका। अगर इसका मुंबई का पाव मिल जाएगा ना तो और मज़ा आ जाएगा, लेकिन खाके लोग इनको यही पसंद है तो भी एक अलग बात होती है खाने की। तो भी मैं वड़ा टेस्ट करूँगा। तो अगर आप आ रहे हो कोल्हापुर ज़रूर ट्राई करना, हाईली वर्थ है, ओनली वड़ा। अभी आ गए शाम वड़ा पाव, शाम वड़ा पाव स्लाइस है एज यूजल। तो अभी अपना दीपक वड़ा पाव ट्राई किया था, तो गाइस वड़ा पाव यहाँ पे 25 रुपीज़ और काफ़ी बड़ा है। लुक एट दिस, दिखा दो फीलिंग, लुक एट दिस। ओहो, काफ़ी गर्म है और अंदर शूटिंग अलाउड नहीं था, तो हमने शूट नहीं किया है, लेकिन हम लोग ट्राई तो ज़रूर करेंगे आए तो। अभी ये कोल्हापुर थोड़ा ऐसा सीन है, स्लाइस हमको आते थे ना मुंबई का वड़ा पाव खाने का, जो प्रॉपर पाव के साथ है, ये स्लाइस रेट आता है, कैसे खाए समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे लोग है ना ऐसा खाते हैं, उसको ऐसा पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसा पकड़ के, कोई लोग ऐसे भी खाते हैं, कोई के लोग तोड़ के भी खाते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं, ऐसा ट्राई करते हैं। फिलिंग तो करेंगे एकदम भर भर के फिलिंग है, और 25 रुपीज़ बड़ा पाव सही है, साइज़ काफ़ी बड़ा है उसका और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन ना अगर मुंबई का पाव होता ना तो और मज़ा आता खाने में, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक जगह का हर एक अलग अलग रहता है खाना पीना। कोल्हापुर में मैंने भी दो वड़ा पाव ट्राई किए, शाम वड़ा पाव और दीपक वड़ा पाव, पहले तो दिखा दीपक वड़ा पाव। दोनों का प्राइस डिफरेंस है, वो 20 रुपये का, ये 25 का है, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसका 25 रुपये है। और स्लाइस में भी होता है दोनों भी वड़ा पाव, लेकिन पर्सनली मुझे पता तो बताऊँ कि आपको, मैं मुझे मुंबई का वड़ा पाव काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे ठीक है, अच्छा है वड़ा पाव, लेकिन मुंबई का जो वड़ा पाव है ना वो असल वड़ा पाव, अगर इसे पाव होता ना तो और मज़ा आता खाने में। तो अभी पाव नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई का वड़ा पाव बेस्ट है भाई, ये कोल्हापुर में बेस्ट है। अगर आप कोल्हापुर आ रहे हो तो छा वड़ा पाव, दीपक वड़ा पाव जरूर ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा, मुंबई का वड़ा पाव बेस्ट है। तो ये दो दीपक वड़ा पाव और जो शाम वड़ा पाव है ना गाइस, दोनों का जो वड़ा है ना वो इतना अच्छा है ना, मतलब कोल्हापुर में वो इतना अच्छा है ना, आपको ब्रेड की ज़रूरत ही नहीं है, अब ऐसे ही खाओगे ना आपको अच्छा लगेगा। अगर मैंने ब्रेड, ऑलमोस्ट मेरा ब्रेड रह गया है, स्लाइस ब्रेड मैंने खाया नहीं है, तो ये ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप आ रहे हो तो अगर आप मुंबई से हो और आपने मुंबई का वड़ा पाव खाया है तो यहाँ पे आ रहे हो तो अब ऐसे ही खाओ ना वड़ा, आपको और अच्छा लगेगा। तो ये मेरा सजेशन है, आप ज़रूर ऐसा ट्राई करना, सिंपल ओनली वड़ा मस्त।